हाय, इस वीडियो में आज बात करेंगे मोटोरोला के 112 के बारे में, जो माई यूएक्स है वो कैसे दिखता है, कैसे काम करता है। और मोटोरोला के वेबसाइट पे भी आपको पता होगा लिस्ट आ गया है कौन से मोबाइल पे अपडेट आएगा, वो लिस्ट आ गया है। और मोबाइल पे देखेंगे तो रेजर 5G, रेजर 2020 और मोटोरोला एज का 2021 जो वेरियंट है, जो इस साल आया था उसके में अपडेट आएगा और 15G में आएगा। और मोटो के जी वेरियंट जितने भी जी सीरीज 7151 जो लेटेस्ट रिलीज है, इंक्लूडिंग मोटो G60 और मोटो G40 फ्यूजन और मोटो स्टाइलस, उन सब में आएगा। और उसके अलावा बिजनेस एडिशन फोन्स जो है मोटोरोला के, वो पहले आएगा अपडेट, जिसमें अपडेट आना शुरू हो जाएगा 2022 फरवरी में। और आप मोटोरोला के फ़ोन पे जाएंगे तो आप देखेंगे जो हेल्प वाला है, डिवाइस हेल्प, उसमें आपको व्हाट्स न्यू जो अपडेट आया था उसमें दिखेगा UI विजन अडॉप्शन 212। इसका मतलब ये है कि बीटा टेस्टिंग स्टार्ट हो गया है 112 का और ये अपडेट देना शुरू कर दिए हैं जो डिवाइस हेल्प वगैरह है, तो ऐसे ही करके आ जाएगा। और वेबसाइट में भी आप देख सकते हैं, उसमें लिखा है February 2022 में स्टार्ट होगा अपडेट रोलिंग। और मोटोरोला के जो एडमिन हैं वो भी बोले थे कि बीटा टेस्टिंग चल रहा है और रोल आउट विल बिगिन इन February 2022। सो ये गुड न्यूज़ है, वो जल्दी आने वाला है एंड्रॉयड अपडेट। और इसमें क्या क्या आएगा मोटोरोला की तरफ से वो मैं बता दूंगा अभी। और जो है सारे मोबाइल से वो धीरे धीरे करके आएगा, कौन पहला आएगा वो डिटेल नहीं आया है, बट पहले बिजनेस एडिशन वाला आएगा। और जो मोटोरोला का जो फ़ोन से उसमें काफ़ी बहुत सारे न्यू चेंजेस दिखने को मिलेगा, वो चेंजेस का कुछ ग्लांस में दिखा देता हूँ। मोटोरोला ने स्क्रीनशॉट डाला था वेबसाइट में, पहले तो ये राउंडेड शेप वाला आइकन, उसके बाद बहुत सारे पर्सनलाइजेशन, कलर सेटिंग, नोटिफिकेशन सेटिंग, उसके अलावा जो रेस्पॉन्सिव मोशन है, डायनामिक कलर, हाई कंट्रास्ट कलर, और जो स्क्रीन के ऊपर डायरेक्ट आप चैट विंडो ऐड कर सकते हैं कन्वर्सेशन के लिए फ्रंट और सेंटर में, डायरेक्ट होम स्क्रीन में। और उसके अलावा और भी न्यू विजिबिलिटी फीचर लाइक एरिया मैग्नीफिकेशन, जो हमें विंडोज़ लैपटॉप वगैरह डेस्कटॉप मिलता था, उसके अलावा एक्स्ट्रा डिम बोल्ड चेंज कर सकते हैं, आराम से ग्रे स्केल भी कर सकते हैं स्क्रीन को, जो आँख में प्रेशर नहीं आएगा। और बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स ऐसे हैं लाइक जिसे मोटोरोला ने पहले दिया था प्राइवेसी के लिए, थिंक शील्ड जिसमें नया फ़ोन से आता है मोटोरोला का, वो भी रहेगा इस 12 अपडेट में। और उसके अलावा जो अदर एंड्रॉयड प्राइवेसी है लाइक कैमरा इंडिकेटर्स, जो आईफोन्स में आता था माइक एक्सेस, कैमरा एक्सेस होगा तो आप ब्लॉक कर सकते हैं कोई भी, आप आपका कैमरा माइक ऑन करके ले रहा है तो। और प्राइवेसी डैशबोर्ड है कार ऐड कर रहा है इसमें, जो क्या क्या आप एप्लीकेशन को परमिशन दिए थे वो भी आपको दिख जाएगा। उसके अलावा लोकेशन अप्रूवल वगैरह वो तो पहले से था, तो उस पर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो गया, हाई सिक्योरिटी हो गया आएगा। और उसके अलावा आप स्क्रीनशॉट जो ले रहे हैं, आपको लॉन्ग स्क्रीन है, आप आराम से उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वेबसाइट में कुछ रीड कर रहे हैं तो। ये था कुछ न्यू फीचर्स। उसके अलावा है ट्रांसफ़र डेटा बिटवीन एंड्रॉयड टू एंड्रॉयड, एंड्रॉयड टू आईफोन टू एंड्रॉयड, और पीसी के साथ भी आप आराम से डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए फैसिलिटी मिल जाएगा एंड्रॉयड 12 में। उसके अलावा डाउनलोड करते हुए भी आप गेम ओपन करके खेल सकते हैं डायरेक्टली, तो ये फीचर आया है। उसके अलावा मोटो का जो गेम टाइम है वो भी बहुत अच्छा अच्छा फीचर ऐड करके आएगा इस बार 12 में। ये था कुछ डिटेल्स मोटो का जो रिलीज आएगा 12 का, और बाकी मैं नोटिफिकेशन जो भी आएगा मैं आपको बता दूंगा, उसकी वजह से प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।